अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि आपको पता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फ्रेंड की भतीजी की शादी है, तो कुछ जूते और कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी जो रह गई थी, तो बस उसके लिए शॉपिंग करने यहाँ पर आए हुए थे। पहली तो बात यह कि मुझे कोई शॉपिंग का इतना खास आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं ख़ुद अपने लिए बहुत मुश्किल से पसंद करती हूँ, इसलिए दूसरों के लिए भी ज़ाहिर बात है इंसान की अपनी पसंद होती है, तो फिर मुझे इतनी कोई आइडिया नहीं होता खास ज्वेलरी वगैरह का, क्योंकि मैं खुद पहनती नहीं हूँ। तो मुझे साथ ऐसे लगी थी जैसे मैं बहुत कोई एक्सपर्ट हूँ, हालांकि मुझे कोई तजर्बे नहीं होते इन चीज़ों के। तो अब खैर, उन्होंने ज्वेलरी भी ली अपने लिए, जूते वगैरह लिए यहाँ से, और बहुत देर हम लोगों ने यहाँ पर इतनी देर लगा दी थी क्योंकि घर जाना था। फिर वो मेहंदी वाली आ रही थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि पहले होता था कि लोग रातों को मेहंदियाँ लगाते थे ताकि सुबह तक कलर आए, अब तो आपने मेहंदी लगाई और घंटे में कलर आ जाता है। फिर वो निकाह की कुछ तैयारी करनी है, उसके सामान वगैरह पैक करना है, जो चीज़ें वगैरह लाए हुए थे वो हम लोगों ने अब तक पैक नहीं की, तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जल्दी जल्दी घर जाएँ ताकि हम जल्दी जल्दी सब सामान वगैरह सेटिंग करें, क्योंकि रात को फिर निकाह और बारात वगैरह रात को है, इसलिए बस थोड़ा सा थक गए थे, अभी काम बहुत था, और हमारे को एंड मौके पे याद आया कि हमें ये भी करना है, हमने ये भी करना है। खैर, ये बहुत गलत चीज़ होती है, सबको चाहिए, बंदा पहले से ये चीज़ें तैयार करके रखते हैं, एंड मौके पे इन लोगों को तैयारी याद आती है। खैर, हम लोगों ने यहाँ से ज्वेलरी भी ले ली और चीज़ें ले ली। हाँ, ये घर आ चुके हैं हम, ये निकाह के बॉक्सेस वगैरह जो तैयार करने हैं उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह हम लोग ले आए थे, जो जो चीज़ें डालनी होती हैं घर में, आई थिंक सो ये होती हैं या कुछ और भी होता होगा, लेकिन हम लोग ये चीज़ें उठा के ले आए थे जो मेन मेन चीज़ें हैं, क्योंकि हमें पहले बता दिया गया था कि ये चीज़ें मेन होती हैं, ये चीज़ें आप ले आइएगा। हम ये चीज़ें ले आए थे। खैर, हम लोगों ने निकाह के बॉक्सेस भी बड़े मुश्किल से तैयार किए हैं, ऐसे हमें खुले भी मिले थे, उसको बॉक्स को तैयार करना बहुत मुश्किल है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये हम लोगों ने फ़िलहाल तैयार करके रखे हैं, अब बाकी और तैयार होने। आप ये देखिए ये किस तरह का है, ये इस पर लिखा हुआ है कबूल है, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनता है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है इस बॉक्स का, बता थक जाता है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने खोल के रख दी थी, कुछ ऊपर पड़ी हुई थी, कुछ खोल दी कुछ ऊपर थी, ये कुछ पैकेट्स में अभी वो सारे ये बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, इनको तैयार करना है, और उसके बाद इसमें और चीज़ें वगैरह जो होती हैं वो ऐड करनी है। अभी काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने अपनी भतीजियों को बुला लिया था। ये देखें, ये इस तरह से बॉक्स तैयार होता है, इसकी तैयारी में बड़ा मुश्किल था, इवन यहाँ से डालते वहाँ से निकल जाता, वहाँ से डालते यहाँ से निकल जाता, बड़ी मुश्किल, ये बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल। खैर, जैसे तैसे करके मेरी भतीजियों ने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई और हमारा ये पूरा हो गया था, ये बॉक्सेस वगैरह बनाना, ये चीज़ें वगैरह डालना, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा काम मेरी भतीजियों ने कर लिया था, तो मुझे फिर इतनी टेंशन नहीं थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बना रही हूँ बॉक्सेस वगैरह, तो मेरे दोस्त जो हैं उनके घर में मेहमान बहुत थे, उन्होंने कहा था ये सब काम आप खुद करो जो करना है, तो बस ये सब कुछ हमारे जिम्मे डाल दिया था, इसलिए मैंने कर दिया था, तो इसमें कौन सी बुरी बात है अगर मैं कर दूँ, वो कर दे, दोस्त है मेरी। खैर, बॉक्सेस वगैरह बन गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बॉक्सेस तैयार हम लोगों ने करके रख दिए हैं। इन सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, जो सामान हम लोग लेकर आए थे वो सारे पड़े हुए हैं, ये कोई बॉक्सेस खाली नहीं है। खैर, आप ये देख सकते हैं, फिर इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं। अच्छा जी, ये मेरा ड्रेस है, मेरे ड्रेस में मैं कोई फैंसी सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। ये कुर्ता है, नॉर्मली मैं कुर्ता या शर्ट भी पहनूँ तो बिल्कुल सिंपल सी होती, कुछ इस तरह नहीं होता। ये मेरी चीज़ें जो मैंने पहननी हैं। खैर, ये जो कुछ है ये मेरी तैयारी सिंपल सी होती है, मेरी तैयारी में इतना कोई ख़ास नहीं होता, बस आप लोगों से यही करना है कि दुआओं में याद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी व्लॉग्स वगैरह बनाए नहीं हैं, तो मैं अब फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रही हूँ, तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।